الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلاة میرا موضوع بیان قرار دیا گیا ہے صلح اور جہاد اور اس لیے میں نے اس آیت کو سرنامے بیان قرار دیا ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان سب کے سب مل کر صلح و سلامتی کے دائرے میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے سلم کے معنی عربی میں صلح کے ہوتے ہیں اور یہ لفظ سلم بجن سے ہی اسلام کے جز کا اسلام کے لفظ کا جز ہے یعنی اسلام میں جو اصلی حرف ہیں وہ وہی سین اور لام اور میم ہیں اس طرح اسلام کی لفظ خود صلح و پسندی کی ضامن ہے اور دوسری بلند تر لفظ جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے وہ ایمان ہے قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اسلام آسان ہے ایمان مشکل ہے ایمان کا درجہ اسلام سے بالا تر ہے ارشاد ہوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم یہ سارائی عرب آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہیے کہ تم ایمان تو نہیں لائے ہو یہ کہو کہ ہم اسلام لائے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں تو داخل ہوئے ہی نہیں معلوم ہوا کہ زبان تک جو رہے وہ اسلام اور دل تک جو پہنچے وہ تو اب میرے پیش نظر ایک حدیث ہے مسلم کے بارے میں اور ایک حدیث مومن کے بارے میں مسلم کے بارے میں تو حدیث یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے زیر مطالعہ احادیث میں اسی حدیث کے بعد طرق میں المسلمون کے بجائے الناس کی لفظ ملی یعنی المسلم من سلم الناس من یده و لسانه مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے خطروں سے تمام آدمی محفوظ رہے اس میں وسعت پیدا ہو گئی
मगर मोमिन के बारे में जो हदीस है, जैसे इस्लाम सिलम से मुश्तक है वैसे ईमान अमन से मुश्तक है। तो मोमिन के बारे में जो हदीस है वो ये है कि अल मोमिनु मन अमिना जारुहू बवायका, मोमिन वो है जिसका हमसाया उसके खतरों से मुतमईन रहे। अब पहले तो वो हदीस अगर फकत अल मुस्लिमून होती तो अब इसका दायरा यूं ही वसी है कि मोमिन वो है जिसका हमसाया, अब हमसाया तो किसी मजहब मिल्लत का सवाल नहीं है, और अगर वहां भी अन्नास है जैसा कि बात तुरुख में, तब तो उसमें भी तफरीक नहीं है मजहब मिल्लत की। और अब उसके बाद एक दूसरा फर्क जरा नाजुक है, माशाल्लाह मजमा तवज्जो से सुन रहा, वो यह है कि वहां यह है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ जबान से मुसलमान या सब आदमी महफूज रहें, ये एक अमल के वकूह को बता रहा है, यानी उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने किसी को जरर नहीं पहुंचाया। और वो हदीस ये है कि जिसके हमसाए उसके खतरों से मुतमईन रहें, ये इत्मीनान अपना काम नहीं है दूसरे किसी पर से, ये किरदार के सांचे का पता देता है कि मोमिन वो है जिसका मुस्तकिल किरदार ये हो कि अगर अजनबी आदमी भी गैर देखे तो कहे कि कोई खतरा नहीं, ये लोग अच्छे होते हैं। जहां तक अच्छे हैं का सवाल है वो सलीमा है, सलामत रहे मुसलमान उसके हाथ से, और यहाँ यह कि इसका हमसाया मुतमईन रहे। अगर किसी नए महल्ले में भी जाके मकान ले तो पड़ोसियों को ना अपनी आबरू का खतरा हो, ना अपने पैसे का खतरा हो, ना अपनी जान का खतरा हो, और आपस में खुद कहें कि ये लोग सब अच्छे होते हैं, पर जब ये किरदार का सांचा बन जाए तो फिर वो जमाती ईमान का किरदार है। सलाह दीजिए वाले अब कहा यह जा रहा है कि सुलह सलामती के दायरे में सब के सब दाखिल हो जाओ, तो सुलह के मुकाबले में जंग होती, और उस सुलह के दायरे से निकलना जंग की सूरत से होता है। तो जब आम हुक्म यह दिया गया है कि सुलह सलामती के दायरे में दाखिल हो, तो अब जंग का हुक्म अगर है तो उमूमी नहीं हो सकता, खास हालात में हो सकता है, वरना तजाद पैदा हो जाएगा। खुद तो पैगाम दे रहा है कि सबके सब सुलह के दायरे में हो, और फिर सबसे कहे कि तुमको जंग भी करना पड़ दे, तो ये तजाद हो जाएगा। मालूम होता है कि वो आम हालात का हुक्म है और जंग की इजाजत खास हालात में होती है। अब मौजू में जरा सा थोड़ा सी कमी है कि सुलह और जिहाद गालिबन मौजू रखा गया, तो जिहाद तो सुलह के साथ भी निभ जाता है, यानी कभी खुद सुलह जिहाद होती है, जिहाद सुलह का मुकाबला नहीं, किताल है सुलह का मुकाबला। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना हक की राह में, और किताल के मानी है जानलेवा मुकाबला करना कि या हम नहीं या ये नहीं, वो जंग है जो सुलह के मुकाबले में है। तो अब असल में सुलह के साथ जिहाद मुकाबिल चीज नहीं है, किताल मुकाबिल चीज है, यानी वो जिहाद जो तलवार के साथ हो वो है जंग के मुकाबले में। तो अब जब आम तौर से कहा गया कि सुलह के दायरे में रहो,
तो नामुमकिन है कि आप बिना वजह इस्लाम जन्म की इजाजत दे। अब वो असबाब देखना होंगे कि जिन असबाब में जन्म की इजाजत दी जाती, तो एक आयत कुरान मजीद में मुझे मिलती है जो इस सिलसिले में बुनियादी हैसियत करती है। मुश्किल यह है कि तरतीब कुरान तंजील के मुताबिक तो हुई नहीं, ताकि हम समझ सकें कि कौन आयत पहले नाजिल हुई थी, कौन आयत बाद में नाजिल। अब जो आयत बीच में है क्या मालूम वो शुरू में नाजिल हुई, जो आयत शुरू में है क्या मालूम कि वो बाद में नाजिल हुई। सूरह अलक इकरा जो बेइजमाए अहले इस्लाम सबसे पहली वही है वो तीसवें पारे में, वो पारे हम जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें है। तो अब जब तंजील मुताबिक तरतीब मुआफिक तंजील नहीं है तो उससे नतीजा तो कुछ हम नहीं निकाल सकते, मगर ये आयत जो है इसका मजमून खुद बताता है कि ये आयत जिहाद में सबसे पहली आयत। अब मैं वो आयत पढ़ूंगा उसका तर्जुमा सुनाऊंगा तो फिर मुलाहजा कीजिएगा कि वो वाकई खुद आयत पुकार रही है या नहीं कि पहली आयत। वो आयत ये उरीना लिल्लज़ीना युकातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू वइन्ना अल्लाहा अला नसरिहिम लक़दीर। उन्हें इजाजत दी जाती है काय की जंग की। अब नीचे साहिबान फहम गौर करें कि अगर यह कहा जाता है कि उन्हें हुक्म दिया जाता है तो हुक्म का मुकाबला जंग हुक्म है, तो हो सकता है कि उसके पहले भी जंग जायज होती मगर हुक्म न हुआ होता। लेकिन जब कहा जा रहा है कि अब इजाजत दी जाती है तो इजाजत के मुकाबले में मुमानात है, इसके मानिए कि इसके पहले तक जंग ममनू थी, जंग की ममानात थी। अब इस आयत में जिन शर्तों से इजाजत दी गई हो उन्हीं शर्तों में जंग जिहाद होगी। वरना जंग रहेगी जिहाद नहीं होगा। तो अब देखिए किनको इजाजत दी जाती है, उलीना लिल्लज़ीना युकातलूना। अब माशाल्लाह मेरे सामने तो अरबी दान हजरात काफी बैठे हुए हैं लेकिन अक्सरियत फिर भी गैर अरबी दान लोगों की, अरबी में जरा से जेर जबर से मानी में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। अगर यहां होता युकातलूना ते के जेर के साथ तो मानी ये होते कि उन्हें इजाजत दी जा रही है जो जंग कर रहे हैं भी अन्नहुम जुलिमू, इस वजह से इजाजत दी जा रही है कि इन पर जुलम है बहुत, तो गोरातंग आमद बजंग आमद इतने जुलम सहे हैं तो अब उठ खड़े हुए हैं लड़ने के लिए तो उन्हें इजाजत दी जा रही। मगर कुरान मजीद में युकातलूना नहीं है, उज़ीना लिल्लज़ीना युकातलूना, ये ते को जब जबर हो गया तो सीगा मजूरी का हो गया, इसके मानी है कि उन्हें इजाजत दी जा रही है जिनसे जंग की जा रही है, इसके मानिए कि इब्तिदाए जंग करने वाला दूसरा है। हमला आवर दूसरा है। अब चूंकि जंग उधर से शुरू कर दी गई हमें
अल्लाह कर दिया गया तो अब इन्हें इजाजत दी जा रही है कि ये भी मुकाबला करें, बेअन्नहुम ज़ुलिमू, इस वजह से कि इन पर ज़ुल्म हुआ। इसके दोनों मानी हो सकते हैं, एक ये कि इस वजह से कि इन पर ज़ुल्म होता रहा है फिर भी खामोश रहे और अब इब्तिदाए जंग हो गई, और ये मानी भी है कि ये इब्तिदाए जंग उधर से ये खुद एक ज़ुल्म है, तो चूंकि ये ज़ुल्म उधर से हुआ है लिहाजा अब इन्हें इजाजत है कि ये मुकाबला करें। अब जब इजाजत दे दी गई है तो अब अपनी तादाद को न देखें, अब साजो सामान को न देखें, अब ये न देखें कि बड़ी ताकतें मुखालिफ हैं, अब ये न देखें कि दुनिया हमारे खिलाफ एका किए हुए है, नहीं अब इन्हें इजाजत है अब अखबार मादी पर कोई नजर न करे, इन अल्लाह आला नसर इमला कदीर, अल्लाह इनकी मदद करे। अब जंग उधर से शुरू हो गई तो अब इजाजत है कि ये मुकाबला करें, नतीजे से खुद नजर करके क्या होगा, अब अल्लाह पर भरोसा करें। अब जंग होने की हालत में भी एक ऐसी सूरत हुई कि मुकाबिल जो है फरीक मुखालिफ बज़ाहिर पशैमान हुआ, अब उसने कहा नहीं भाई हम जंग मौकूफ करते हैं, हम अब जंग नहीं करेंगे, मगर लफ्जों से थोड़ी होगा कि जंग नहीं करते, जहां तक वक्त गया है वहां से पीछे जाए तो मतलब ये होगा कि अब जंग नहीं करना चाहता, तो अब कह दिया उसने कि जंग नहीं करेंगे। तो अब कुरान कह रहा है हालत जंग में, अब फिर कुरान की हिदायत रसूल से, अगर वो झुक जाए सुलो की तरफ तो फौरन आप भी झुक जाइए, ये फिर तरतीब बिला फासला के लिए होती है, अगर वो मायल हो जाए सुलो की तरफ तो फज नहला, तो आप भी झुक जाइए, सुलो के बड़े हुए हाथ को वापस न कीजिए। और अब जो चीज माने हो सकती है वो ये कि क्या मालूम ये सुलो की तरफ झुकना इनका कोई अयारी ना हो, ये जंग के लिए तैयार होने के वास्ते मोहलत न ले रहे हो, ये सब अंदेशे हो सकते हैं जो सुलो की तरफ इकदाम करने से सज रहा है। तो कहा जा रहा है जैसे मां दादा की इजाजत जंग की है और ला मदद पर कहा दे रहे, अब कहा जा रहा है कि अगर सुलो की तरफ बढ़े तो फिर आप भी बढ़ जाइए, वह तवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पर भरोसा कीजिए, इससे बहसी न कीजिए कि वो क्या करेंगे इसके बाद, वो कुछ भी करें लेकिन उनको योगदान सुनो के बाद फिर आपको भी तैयार हो जाना चाहिए सुलह के लिए, वह तवक्कल अल्लाह पर भरोसा कीजिए, अल्लाह इज्जत वाला है हिकमत वाला है, और उस तवक्कुल अल्लाह ने जो चीज जो अंदेशा मुजमर था फिर उसको साफ भी कर दिया, मैं ये उरीदू अन यखदऊ का फइन्ना हिज़्बक अल्लाह, अगर वो आपको फरेब देना चाह रहे हैं तो अच्छा वो चाहे फरेब देना, मगर आपके लिए अल्लाह काफी है, वाँ।
एक बात यह है कि सुलह बहुत से जज्बात के मुकाबले में इंसान के लिए सब्र आजमा मरहला होती है, खुसूसन जब जंग पहले से हो रही हो। मगर रसूल को हुक्म नहीं हुआ है कि आप लोगों से राय लीजिए, मशवरा लीजिए, नहीं, बस उधर के किरदार जब ये हो जाए कि वो सुलह के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो आप भी फौरन झुक जाइए। चुनाचे अब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तफ़का अमल तारीख इस्लाम में मौजूद है कि जमात हुआ है कि जो 7-8 बरस से मुसलसल जंग कर रही, यानी सन 2 हिजरी से जंग शुरू हुई और सन 6 हिजरी में अब ये वाकया हुआ है, तो 5 बरस से मुसलसल जंग की सूरत है, जिसमें इस 5 बरस में पहले ही साल जंग बद्र हुई, दूसरे साल जंग उहद हुई, तीसरे साल जंग खंदक हुई, चौथे साल जंग खैबर, नहीं खैबर इसके बाद हुई, इस सुलह के बाद। तो जनाब ये लड़ाइयाँ खंदक तक सब पहले हो चुकी हैं। अब उस हालत में अब कई साल से जंग नहीं हुई, क्योंकि अब कई साल से जंग नहीं, उनकी कुव्वत मुकाबला खत्म हो चुकी। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ के मुसलमानों को बशारत देते हैं कि हम लोग जाएं और खाने काबा की जियारत करें। अल्लाह ने भी ख्वाब के जरिए से रसूल को इसकी बशारत दी कि आप मस्जिद हराम में जाइएगा, तवाफ कीजिएगा और मुसलमानों के खुशी की इंतहा नहीं रही कि जिस शहर से निकाले गए थे इतने अरसे से, वहाँ से जिला वतन है, अब हमें इजाज़त हुई है कि हम वहाँ जाएं। तो तमाम मुसलमान तैयार होके आपके साथ उम्रे के नाम से, यानी हज होता जो खास जमाने में हो, लेकिन उस जमाने के अलावा जो होता है वो उम्रा कहलाता है, अहकाम अक्सर वो अमल में आते हैं मगर उसे उम्रा कहते हैं। तो जब हजरत तशरीफ ले गए तो वो जमाना हज का नहीं था, दूसरा था। उम्र कहता हूँ, ये हजरत की अमन पसंदी थी के जमाने हज में जब चारों तरफ के कबाइल आते हैं उस वक्त हम आए तो तुम समझोगे प्रोपेगेंडा मकसूद है, तुम समझोगे दूसरे कबाइल पर असर डालना मकसूद है, नहीं, जिस वक्त में काबा बिल्कुल खाली होता है हम खामोशी के साथ चले आएंगे और अपने मरासिम में इबादत अंजाम दे लेंगे। चुनाचे पूरी जमात और अब कई हजार की जमात वो सब इरादे हज के साथ एहराम बांध लिया, यानी वो पाबंदियाँ जो हज में होती हैं वो उम्र के लिए इख्तियार कर ली हूँ, लिबास खास पहन लिया, वो तमाम पाबंदियाँ इख्तियार कर ली। मगर अब ये उनकी हरकत से मजबूरी है कि हालांकि अब कुव्वत मुकाबला नहीं है, लेकिन अपनी आंखों से जहाँ से हमने निकाला था अब वो फिर हमारी मौजूदगी में वहां दाखिल हूं, इसके लिए किसी सूरत से उनका दिल तैयार नहीं होता। अब हो जो भी हो, बहरहाल अब तो इस वक्त सर पर पड़ी है, लिहाजा लग लेना चाहिए, हम जीते जी तो इस शहर के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। अब हर शख्स गौर करे कि अगर इस वक्त जंग हो जाती तो हक के साथ होती, क्योंकि अरब के बैन अल-अक़वामी कानून के मुताबिक
مکہ کی زیارت کا ہر ایک کو حق تھا, روکنے کا کوئی حق انہیں نہیں تھا, کوئی کعبہ ان کی ملکیت تھا. اگر جنگ ہوتی تو وہ جنگ حق ہی کے راہ میں ہوتی, پھر بھی رسول حق پر ہوتے اور وہ باطل پر ہوتے. مگر وہ جو میں نے آیت قرآن کی روشنی میں ایک حقیقت بیان کی تھی کہ اجازت جنگ مشروط ہے کہ ابتدا ادھر سے ہو, اس کو صدمہ پہنچ جاتا. ابھی تو وہ موضوع ہے نا, عیسائیوں نے تلوار تصویر کھینچی رسول کی, ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن. مطلب یہ ہے کہ تلوار سے اس قرآن کو پھیلایا گیا. تو میں ان کے جواب میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر قرآن سے تلوار میں تلوار سے قرآن پھیلایا گیا تو بتاؤ وہ تلوار کہاں سے آئی. یعنی تلوار کا اٹھانا خود طاقت چاہتا ہے. وہ جس کے قبیلے والے اس سے منحرف ہو گئے ہوں, پتھر مار رہے ہوں, اس کے پاس اتنی قوت کہاں ہو سکتی تھی کہ وہ تلوار اٹھائے. ماننا پڑے گا کہ یہ جماعت جن کو ساتھ لے کر تلوار اٹھائی یہ تو تلوار کا نتیجہ نہیں ہے. اسی سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس نیام میں شمشیر فولادی کے علاوہ بھی کوئی تلوار ہے, اور وہ اخلاق کی تلوار ہے, وہ حقانیت کی تلوار ہے. اور ابتدائی اشاعت اسلام اسی سے ہوئی ہے. جب کوہ صفا پر گئے پیغام پہنچانے تو کون سی تلوار ہاتھ میں تھی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت تلوار کیسی قرآن بھی مجھے نظر نہیں آتا. اس وقت تو صرف اپنا کردار ہے اور حد نظر کے سامنے جتنا مجمع ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے یا نہیں؟ سوال کا انداز بتا رہا ہے کہ ابھی مجمع کہہ دے کہ نہیں مانیں گے تو آگے کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن جتنے اپرادھ حد نظر میں ہیں سب چیخ اٹھنے ہیں کہ کیوں نہیں مانیں گے, اس لیے کہ اس زبان سے سوا سچ کے ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. تو یہ سیرت کی تلوار کے اوپر ہے نا. صلوات دیجیے لینا. اور میں کہتا ہوں ان کا مقصد تلوار سے تو پورا بھی نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے کہ تلوار تو آدمی ہی کا خاتمہ کر دیتی ہے, اپنی مظلوم شماری میں اضافہ کیا کرے گی. انہیں تو ایسی تلوار چاہیے تھی کہ آدمی باقی رہے کفر تک جائے. اور وہ صرف حقانیت کی تلوار. بہرحال یہ دنیا نے اعتراض اٹھایا کہ تلوار سے اسلام پھیلایا گیا. آج کل جغرافیہ اسکول اور کالج میں پڑھایا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسے جغرافیہ سے طے کر لیا جائے. یعنی جہاں جہاں اسلامی دوائیاں ہوئی ہیں اس کی پیمائش دیکھ لی جائے کہ وہ مکے کے قریب ہیں, مدینے سے دور ہیں, یا مدینے سے قریب ہیں, مکے سے دور ہیں. اگر مدینے سے قریب ہو مکے سے دور ہو تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے کہ وہ لوگ چڑھائی کر کے آئے, اور اگر مکے کے قریب کوئی لڑائی ہوئی ہو تو میں مان لوں گا کہ ہمارے رسول چڑھائی کر کے گئے. مگر یاد رکھیے یہ میرا سر استدلال خم ہو جاتا ہے اگر حدیبیہ میں لڑائی ہو جاتی. وہ اسباب کچھ بھی ہوتے لیکن کہنے کو ہوتا کہ دیکھیے جب طاقت مل گئی تو چڑھائی کر کے آئے. جب رسول کے دامن اخلاق پر یہ دھبا آنے لگا تو سلوک کر کے واپس چلے گئے.
ارادے سے آئے اتنی جماعت کو لے کر اور واپس چلے جاتے ہیں بغیر ارکان عمرہ ادا کیے ہوئے سلو کر کے. مگر میں نے کہا کہ سلو بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے, مسلمانوں کا خون کھول رہا کہ یعنی کمبخت ان لوگوں کے کہنے سے آپ اپنا منصوبہ بدل لیتے ہیں, واپس چلے گئے, یہ تو ان کی جیت ہے ہماری ہار ہے. اور رسول ہیں کہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں, اور یہ سلو ہونا ہی ان پر بار ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں ذرا غور کیجئے, واقعات پر نظر کر کے قبل کے مجھے ایسے تفصیلات کے بیان کرنے میں کبھی لطف نہیں آیا ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ جنگ اگر ہوتی تو کرتا کوئی اور, مگر گھبرا رہے ہیں وہ افراد. یہ سلو تو مل جاتی ہے, جوش و جہاد قوت پر اس وقت لو جاننا چاہیے. ہمارے پاس طاقت ہے, وہ کمزور ہے, ہمیں مقابلہ کر لینا چاہیے, مگر رسول سلو کے لیے تیار. اجنا ادھر کا نمائندہ سہیل ابن عمر, وہ آتا ہے سلو کے شرائط پیش کرتا ہے کہ اچھا صاحب سلو ہو جائے, مگر جو شرطیں ہم کہیں اس پر. اب وہ شرطیں پیش کرتا ہے, مجھے تو معلوم تھا کہ مسلمان تو نہیں سمجھنا ہے, مگر وہ کافر جاہل ہونے کے باوجود اتنا ذہین ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت رسول کسی بنا پر جنگ نہیں کرنا چاہتے, لہذا وہ قدم قدم پر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. سلو میں پہلے لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ فوراً بول اٹھتا ہے کہ جناب ہمارے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی نہیں لکھا گیا, یعنی بسم اللہ ہی سے مخالفت. جی بھائی پھر کیا لکھا جائے؟ کہا جو ہمارے باپ دادا لکھتے آئے, بسمک اللہم, تیرے نام سے اے اللہ. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کہتا بسم اللہ تو بسم العزا اپنے بتوں کا نام لیتا کہ ان کے نام لکھیے تو سلو نہ ہوتی, کیونکہ اصول کو قربان کر کے سلو نہیں ہوا کرتے. مگر اس نے کہا کہ یہ لکھیے کہ بسم اللہ تیرے نام سے اے اللہ, آپ گویا دلی دل میں اس کی حماقت پر ہنسے اور ارشاد فرمایا کہ بھائی جو یہ کہہ رہا وہی لکھو. مگر مسلمانوں کا تو پھر خون کھول گیا کہ دیکھیے پھر اس کی بات رہی اور رسول کی بات گئی, اب دوسرا فقرہ لکھا جانے لگا, ہاذا ما صلی علیہ محمد رسول اللہ, یہ وہ ہے جس پر حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. مشالات کی, پھر فوراً وہ چیخ اٹھا کہ جناب ہم رسول اللہ مانتے ہوتے تو یہ اتنی لڑائیاں کیوں ہوتی, یہ رسول اللہ نام کے ساتھ نہیں, اپنا اپنے والد بزرگ بھائی کا نام لکھی ہے ولدیت کے ساتھ, رسول اللہ کیا ہم تو مانتے نہیں. اب کچھ سچی نگاہ والے سوچے ہوں کہ اب تو اپنا معاملہ ہے, اب تو ذرا جمیں گے بات پر, مگر نہیں, آپ لکھنا بھائی جو کہہ رہا ہے وہی لکھو. اور اس کے ساتھ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا جو بڑی گہرائیوں تک نزاعی بحثوں کا فیصلہ کرتا ہے. فرماتے ہیں یہ جملہ, ارے میں ہی محمد رسول اللہ ہوں, میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں, چاہے وہ لکھا جائے چاہیے. اب اس میں گہری بات کیا ہے
गहरी बात यह है कि मेरे यहाँ रिसालत बशरियत से अलग नहीं है, जो मेरी बशरियत है वही मेरी रिसालत है। सलाह अब मालूम है कातिब सुलोनामा हजरत अली इब्न अबी तालिब अस्सलाम। यानी जिसके हाथ में हमेशा जंग में अलम होता था उसी के हाथ में आज कलम है, और सब बेचैनी है उसमें कोई बेचैनी नहीं। जैसे अलम हाथ में होता था तो हाथ में लर्जा नहीं होता था, वैसे कलम है तो हाथ में लर्जिश नहीं। मगर जब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज को लिखी जा चुकी थी, मिटाने की बात हुई, तो अब जरा अदब सद्दे रहा हुआ, और आपने कहा कि अब मेरे कलम से लफ्ज ये रसूलुल्लाह की लिखी जाने के बाद मिटाई जाए, ये मेरे दिल से नहीं होता। डूबते को तिनके का सहारा। एक जमात है जिसको दिलचस्पी उनके फजाइल से नहीं है, कुछ न कुछ से है। तो उन्होंने कहा देखिए यहाँ हुकुम नहीं माना। इन्होंने कहा था कि रसूलुल्लाह की लफ्ज मिटा के और लिख दो, और इन्होंने नहीं माना। मैं कहता हूं उसका फैसला खुद रसूलुल्लाह के अमल से, कि ये इनकी अदाए तहजीब व अदब रसूल को पसंद आई या ना पसंद। आपने पहले तो कोई जोर नहीं दिया कि तुम ही मिटाओ, उन्होंने कहा, आपने कहा अच्छा लाओ मिटा मैं दूंगा, लिख फिर सुन देना। आपने अपने हाथ में लेके वो लफ्ज मऊ कर दी। बस मैं कहता हूं कि फैसला रजा और नाराजगी का इस पर है। अगर इसके बाद कातिब बदल दिया हो तो मैं समझूंगा नाराजगी साबित हो, और अगर जो कातिब था वो बरकरार रहा तो समझिए कि एक काम को नूर के दो हिस्सों ने मिलकर किया, एक ने महो किया एक ने इस बात किया। सोलह दीजिए बोलेंगे अब यहां उसने रुकावट दी और रसूल ने उसकी बात मान ली। फिर वो समझा अपने दिल में कि ये तो यहां पर भी नहीं, इसरार किया इन्होंने, अब वो मजीद रुकावटें पैदा कर रहा है। अब इसके आगे ये शर्त कि एक साल तक हमने आपसे में जंग नहीं होगी, वो आजकल की जबान में ना जंगी मुआहदा, अच्छा सा हाँ नहीं होगी। इस साल के अंदर अगर आप में से कोई भाग कर हमारे पास आए, यानी फिर काफिर होकर हम में शामिल हो जाए, तो हम नहीं वापस करेंगे। लेकिन हम में से कोई भाग कर आपके यहां जाए तो आपको वापस करना होगा, बिल्कुल गैर मुसारियाना शर्त। मालूम होता है जैसे हिटलर अपने मुफ्ती कौम से मनवा रहा है शर्त। मगर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी मंजूर। अब मुसलमानों का आलम न पूछिए, बाद में जो से आए सित्ता में और सही है इनमें और सही है बुखारी में, बाद के मुकालमे दर्ज हैं, उनसे बिल्कुल नुमाया तौर से बदही तौर से है कि असनाए तहरीर में आपस में क्या तस्करे हो रहे थे, आपस में कितनी बेचैनी हो रही थी, एक दूसरे से क्या इशारे कर रहा था,
मगर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदलती हुई रंगत दे देख रहे हैं, ना आपस की गुफ्तगू में सुन रहे हैं। बस एक जुमला करके आगे बढ़ूंगा कि मेरे नजदीक दीनी मामलात में राय अम्मा की जितनी तौहीन आज हुई है कभी नहीं हुई। अब उसे नाकामी हुई तो वो तो एहसास शिकस्त के साथ गया कि मैं किसी मंजिल पर इनको सुलह के मंसूबे से नहीं हटा सका। वो एहसास शिकस्त के साथ गया और यहां मुसलमान जो है वो शिकस्त पर अपनी इजमा किए हुए। सब समझ रहे हैं कि हमारी शिकस्त हुई, यहां तक के दिल की मुस्तरिब बातें जबान पर आने लगी रसूल के पास आके। क्या आप नबी नहीं है? क्या हम मुसलमान नहीं है? फिर हम ये जिल्लत क्यों बर्दाश्त करें? और पैगंबर का एक जवाब कि मैं तो हुक्म खुदा का पाबंद हूं, जो अल्लाह का हुक्म है उसकी तामील करता हूं। मैं कहता हूं देखिए अकीदे और रिसालत कितना महंगा पड़ा है यहां कि इधर खुदा का नाम लिया आप किसी के पास कोई जवाब नहीं। मैंने थोड़े किया, जब कोई इतराज होता है रसूल यही कर देते हैं। शुरू में हुआ घरों के दरवाजे बंद हुए, कुछ लोगों ने बेचैनी हुई कि सबके बंद कर दिया, एक का खुला रखा। आप लमाया ना मैंने किसी का बंद किया ना किसी का खुला रखा, अल्लाह ने बंद किया अल्लाह ने खुला रखा। वैसे ये सबसे कह रहे हैं हम यार हो गई और ये क्यों हुआ और हमें जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। रसूल फरमाते मैं क्या करूं, अल्लाह ने की, अल्लाह ने की। और अब कुरान मजीद में सूरा उतरा कि इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। उस सूरे का नाम ही सूरे फतह है और उसकी पहली आयत ही में फतह का जिक्र है कि हमने आपको ये कुली भी फतह इनायत की। अब अक्सर लोग उसके अल्फाज से देनी नहीं जा सकता उनका, मगर हकीकत यह है कि यह सूरे उदैबिया के बाद आई, न बद्र की फतह के बाद आई, न उहद की फतह के बाद आई, न खंदक की फतह के बाद आई, न खैबर की फतह के बाद आई। ये हुदैबिया पर जब इन शराइत पर सुलह करके वापस हुए तो ये आयत उतरी कि हमने आपको ये खुली हुई फतह इनायत की और आपने उन्हीं अफराद को बुलाकर जो बहुत बेचैन थे सूरा सुनाया। और जो ही ये आयत पढ़ी तो मुखातर ने कहा अच्छा यूं भी फतह होती है? आपने कहा फिर कि मैं क्या करूं, खुदा कह रहा है अब तो कुरान का मामला है इसे भी कह दो काफी नहीं है। अब ये माशाल्लाह मजमा तो खालिस फर्जंदा ने तौहीद का है। मैं अपने यहाँ तो ऐसे मजमुओं में मौका मिलता है जहाँ मुश्तरक इज्तिमाआत हैं, तो उन मुश्तरक इज्तिमाआत में जहाँ गैर मुस्लिम अफराद कसरत से हों, मैं इस वाकये को बयान करके कहता हूँ कि अब दुनिया को समझना चाहिए कि कुरान जंग के मैदान में फतह को फतह मुबीन नहीं समझता, अमन के मैदान में फतह को फतह मुबीन। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इन शरायत पर सुलह फरमाई और वापस तशरीफ ले गए। अब यहाँ बर वक्त चाहे कितनी बेचैनी जाहिर हुई हो, लेकिन बाद में सभी मुसलमानों ने मान लिया कि हाँ ठीक हुआ। और अब रसूल ने ये शरायत उनके माने, मगर कोई नहीं कहता कि रसूल ने बयत कर ली। मगर जब 35-40 वर्ष के बाद नवासा सुनो करता तो हुई तो है सुनो, मगर दुनिया कह रही बयत कर ली। अब आज तो मौजूद सुनो और जिहाद था, लिहाजा मुझे उन दोनों को निभाना था, लेकिन ये मुस्तकिल मौजूद है सुनो और बयत, वो कभी और। तो अब यहाँ लोग कह रहे हैं बयत कर ली, मगर अब चूंकि ये बात आई है तो मैं फर्क बयान कर दूं सुलह और बैत का। बैत कहते हैं गैर मशरूत इतिहाद का अहद, गैर मशरूत तौर पर इतिहाद के अहद को बैत कहते हैं। और सुलह रफ निजा के लिए एक दरमियानी रास्ता ऐसा अख्तियार करना जिससे किसी के उसूल को सदमा न पहुंचे। लिहाजा मैं तो सुलह को बैत से बिल्कुल अलग चीज समझता हूं। बैत अलग चीज है, सुलह अलग चीज। और अब एक कानूनी, वो कानूनदा हजरात उसे कानूनी समझें, और अकली जो कानूनदा इंजीनियर माशाल्लाह अक्ल रखता है वो गौर करे। मैं कहता हूं कि सुलह मुआहदा तरफा इनका होता है, यानी इसने उससे सुलह की, उसने इससे सुलह की। सुलह दोनों ने एक दूसरे से की, तो ये शख्स बताए कि बैत किसने किससे की। मैं तो मानता ही नहीं कुल्लियतन सुलह और बैत को एक चीज, लेकिन कोई अगर माने तो मेरे सवाल का एक जवाब वो दे सकता है। वो ये कह सकता है, बे सोचे वो भी कहेगा, जब मैं तवज्जो दिलाऊंगा तो फिर बाज आ जाएगा, फिर नहीं कहेगा। तो जो समझे सोच सके वो कह सकता है, पर वो ये कि जो जिसके शरायत को माने उसने बयत की, और जो अपने शरायत मनवाए उसने बयत ली। तो मैं कहता हूं अब तो बड़ी मुसीबत, मुसीबत यह है कि सुलह हुदैबिया में रसूल का मामला है और वहां वो शर्तें मनवा रहा है और रसूल मान रहे हैं, और सुलह हसन में उधर से सादा कागज आ गया है कि जो शर्तें चाहिए लिख दीजिए मुझे मंजूर। तो अब मैं उस मुतरिस से कहूंगा कि अब मेरी आंखें आंखों में आंखें डाल के बताइए कि किसने किससे बैत की। वहां वो शरायत बोल रहा है रसूल मान रहे, यहां ये शरायत लिख रहे हैं वो मान रहा है। अब डूबते को इनके का सहारा कोई ये कहे इसका क्या सबूत के वो मान रहा है। वहां तो दोनों फरीक सामने मौजूद। मैं बिल्कुल मुख्तसर रिफाज में रिवायती सबूत दूंगा, कानूनी सबूत दूंगा। आप कहते हैं इसका सबूत क्या कि उधर से माना गया,
मैं कहता हूँ इसका सबूत यह है कि सुन लो हो गई। अगर उसे उदयपुर रोड से शरायत मुस्तरद हो गए होते तो सुलो होती ही क्यों? सुलो का हो जाना नहीं है कि शरायत मान लिए गए, ये और बात है कि अमल नहीं हुआ। तो उधर दिया कि जिले पर कब अमल हुआ था बाद में उधर से आप पाबंद है मगर उधर से कब अमल हुआ? अमल न होना तो बाप की मंजिल है। अगर सुनो हो ही ना तो बेअमली का इल्जाम ही कहां आ सकता है। तो अमल होना ना होना तो बाप की मंजिल है। हाँ जब अमल नहीं हुआ वहां तो फतेह मक्का हुई, जब अमल नहीं हुआ यहां तो करबला हुई। अमल न होने में क्या सूरत होती है वो अलग बात है। और रसूल शरारत पर सुलो करके वापस गए। और अब सुलह इमाम अस्सलाम में मैंने तो इस बिना पर सबूत पेश किया कि उधर से शरारत पेश हो रहे हैं और रसूल मान रहे हैं, तो उनके नुक्ते नजर से तो माज अल्लाह रसूल बयत कर रहे हैं और यहाँ हजरत इमाम हसन शरायत पेश कर रहे हैं और उधर से मानी जा रही, तो यहाँ तो उनके नुक्ते नजर से भी वो उधर से बयत हो रही है। और ये तो मैं उस वक्त तक कह रहा हूँ जब तक शरायत से सुलो इमाम हसन इस्लाम के पढ़े नहीं मैंने, और जब शरायत पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि कुल्लियतन तो सुलो बयत नहीं है, मगर ये जो हसन मुश्तबा ने सुनो की ये बयत लेना ही है। पहली शर्त तो देखिए, हसन मुश्तबा शर्त पहली रख रहे हैं कि अमीर शाम को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करना होगा, माशाल्लाह। कानून दा हजरत मजमे में होंगे, खुद हमारे साहिब मकान वकील हैं, ये तो इतना मालूम हो गया, और शुरका में कितने वकला होंगे। तो हुजूर जरा गौर कीजिए, ये पहली शर्त रख के इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्या क्या मकासिद हासिल किए हैं। पहली बात ये कि सुलोनामे के शरायत में वही चीज होती है जो बिना मुखासमत हो। इन्होंने ये शर्त दर्ज करके गोया ऐलान कर दिया कि हमारी निजा हुकूमत शाम से न खानदानी है न जाती है। ये उसूल का सवाल है कि हम किताब सुन्नत पर अमल के हामी है और ये किताब सुन्नत से मुनहरिफ है। हमारी बिना जंग है, लिहाजा आज तो सुनो भी है। अब अगर 20 बरस के बाद जंग भी हो जाए तो उसे खानदानी जंग न कहना। और फिर दूसरा वाकयाती पहलू है उसी से मुताल्लिक कि वो ही चीज दर्ज की जाती है जो बिना मुखासमत हो। ये लिख रहे हैं कि अमीर शाम को किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करना होगा। इसके मानी है कि अब तक जो कुछ हो रहा है सब किताब सुन्नत के खिलाफ है। अब लाख किताबें लिखी जाए अमीर शाम बाप और बेटे की तारीफ में, मगर अमीर शाम ने खुद मान लिया कि इस वक्त तक जो कुछ है वो किताब सुन्नत के खिलाफ हो। और उसके बाद अब इसकी नौइयत देखिए, वो जो मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई सुलो बयत हो या नहीं, लेकिन ये सुलो तो बयत है ही उधर से। और वो यह है, जरा तेवर देखिए कि अमीर शाम को किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करना होगा। मैं तो महसूस करता हूं हमारे यहां कायदा जो है वो मालूम है यहां नहीं मालूम,
कि कोई वहदा गवर्नरी का खोल लिया जाता है तो जस्टिस जो है वो उसको हलफ देता है। तो मुझे तो इस तेवरों से इस शख्स के पता चल रहा है कि जैसे हुकूमत शरा का हुक्मरान वो बैत ले रहा है तो तुमको किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करना होगा। इसको समेट के एक उर्दू जुमले में भी मैं अदा कर सकता हूँ कि नुका मेरे शाम को किताब सुन्नत के मुताबिक अमल करना होगा। मैं कहता हूँ किसने किसकी आजादी सलब की, तो इन्होंने तो बयत की नहीं, बयत ले ली। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने था बैत का सवाल, और वो भी यजीद ऐसे शख्स की बैत का सवाल। और दुनिया वाले आज तक किताबें लिख रहे हैं क्या था बैत कर लेते, इतने मसाइब उठाए और बैत नहीं की। उसको कभी यूं कहते हैं कि तबीयत में इनकी बड़ी जिद थी, जिद्दी आदमी थे। मैं कह दिया बैत नहीं करूंगा तो अब ये सब कुछ हो गया और बैत नहीं की। मैंने कहा अगर जिद इसी का नाम है तो कौन नबी जिद्दी न था। कौन रसूल जिद्दी न था। और इकबाल ने जो कहा है कि मूसियों फिरौन शब्बीर यजीद ईद कुव्वत अजहयात आमद पिदीद, इसके मानी ये है कि इकबाल की जबान में हर अलमदार हक अपने दौर में हुसैन था और हर अलमदार बातिल अपने दौर में यजीद था। ये महदूद हैसियत से नाम बदले गए थे मूसा फिरौन और इब्राहिम नमरूद, मगर ये कि जहां तक हक परस्ती और बातिल परस्ती की जंग का ताल्लुक है, इधर वाले का नाम हुसैन है उधर वाले का नाम यजीद है। अब इसकी रोशनी में जो जुमला मैं कहता हूं उसको अंदाजा कीजिए कि मैं कहता हूं अजल से आज तक किसी दौर के हुसैन ने किसी यजीद की बयत नहीं की। तो अब हर एक को मालूम है कि हुसैन और यजीद तो यही सन 60-61 में है, तो अब इकबाल की जबान में जो हर एक हुसैन है और एक यजीद है तो मजाजी तौर पर है। तो मैं कहता हूं कि जो मजाजी हुसैन हुआ किए हैं वो तो कभी हकीकी मजाजी यजीद की बयत नहीं कर सके। तो जो हकीकी हुसैन है वो हकीकी यजीद की बयत कहां कर सकता है। मगर किसी के लिए बयत कोई फूलों की सेज बयत न करना इनकार है, बयत किसी के लिए फूलों की सेज साबित नहीं हुई। हर एक ने इनकार है बयत पर कुछ नतीजा ना खुशगवार बर्दाश्त किया। मूसा अगर मान लेते तो
दर बदर क्यों फिरना पड़ता, जंगली में बर्बाद हुई। इब्राहिम अगर मान लेते तो आग में क्यों फेंके जाते। हजरत पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर के यजीदों की बात मान लेते, तो जिस्म मुबारक पर पत्थर क्यों पड़ते। और माशाल्लाह साहिबान ने फरमाया, मैं अंदाज समाज से जाहिर है, मैं कहता हूँ ये तो जालिमों के किरदार का फर्क है कि उनके हाथ में पत्थर ही या तीर नहीं है, वरना साबिर का किरदार एक ही है, जो अरबा और आहिर अपने उसे बर्दाश्त करेगा। रसूल के मुकाबले में पत्थर थे वो उन्होंने बर्दाश्त किए, हुसैन के मुकाबले में तीर थे वो उन्होंने बर्दाश्त। तो असली अमल वही है। और इसीलिए एक जुमला वो मैं कहता हूँ वो भी सही है, और एक जुमला ऐसा कहता हूँ जो बाद लोगों के नजदीक उसके खिलाफ होगा, मुतजाद होगा, मगर है वो भी सही। मैं कहता हूँ यही जो मैंने कहा, किसी दौर के हुसैन ने किसी दौर के इसी तो कहता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन ने कोई नया काम नहीं किया, इन्होंने वही किया जो इनके पेशरव हमेशा करते रहे। मगर उसके बाद जो कहता हूँ वो ये कि वाकई करबला की मिसाल न अव्वलीन में है न आखिरीन में। तो अब कोई कहेगा कि ये दोनों बातें तो मुतजाद हैं, एक सांस में ये कहा कि कोई नई बात नहीं, एक सांस में ये कहा जा रहा है कि इसकी मिसाल न अव्वलीन में है न आखिरीन में है। माशाल्लाह इन मोमिनों की सदाए गिरिया बुलंद हो गई, इनका जहन बाजार मुंतकिल हो गया। मैं उर्दू के एक जुमले में कह दूंगा कि इन्होंने किया वही जो हमेशा किया जाता रहा, मगर हुआ इनके साथ जो वो कभी नहीं हुआ। और इसे मैं यूं कह सकता हूं कि हमेशा पूरे अंबिया कुर्बानियां पेश होती नहीं रहा है खुदा में, लेकिन हमेशा हम मुतय्यन करके बता सकते थे क्या कुर्बानी पेश की गई। और एक बात ये कि हमेशा जुल्म के दिल में कुछ हसरत रह गई कि इतना और करते तो शायद इनको राह हक से हटा देते, और साबिर के मुताल्लिक गलत फहमी रह गई कि इसे बर्दाश्त कर गए, अगर इतना और होता तो बर्दाश्त न कर सकते। इसे हुसैन ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब जुल्म सोच नहीं सकता कि ये करते क्या रह गया जो नहीं किया, और साबिर के मुताल्लिक सोचा नहीं जा सकता कि इसे तो बर्दाश्त न कर सकते, क्या रह गया जो न बर्दाश्त कर सकते। माशाल्लाह आप तो जोशगिरिया है बस थोड़ा ऐसा मुसाहब को कि करबला में अगर जंग मनूबा होती और सब एक साथ शहीद हो जाते तो हमारे लिए होने के वास्ते हमेशा के तो वो भी काफी था, मगर याद रखिए कि ये जौहर इख्तियार अमल जाहिर ना होता जो करबला के तदरीजी रफ्तार मसाइब में है। असहाब सब चले गए, अजीज अभी सब बाकी, अब भी उसे इकरार बदत करके अली अकबर की जवानी को बचा सकते हैं, अब भी इकरार बदत करके अब्बास के शबाब को बचा सकते हैं, मगर हजरत इमाम हुसैन सलाम ने अपने किरदार से साबित कर दिया कि जिस राह में हबीब की पीरी गई उसी राह में अली अकबर की जवानी भी गई। और अब एक और हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाऊं, और वो ये कि अगर रोज़े आशूर हज़रत इमाम हुसैन सलाम सुबह ही को मैदान में जाते और जिहाद करके अपनी जान की कुर्बानी पेश करते तो यकीनन शहीद जब भी थे शहादत का दर्जा रफिया उस वक्त भी हासिल था
हमारे लिए बहसीत मुसीबत, वो भी मरकज गिरिया था, मगर इस वक्त में इनकी कुर्बानी यही अपने जकरिया की कुर्बानी से आगे न होती। उनका सर भी कलम हो गया था, इन्होंने भी अपना सर कलम करा दिया। करबला में इनका कारनामा ये नहीं है कि इन्होंने जान दे दी, इनका कारनामा यह है कि जब तक एक भी पास रहा जान नहीं दी। अब इसको उर्दू के एक जुमले में यूं कहूंगा कि करबला में मरना उतना मुश्किल न था जितना जीना मुश्किल था। अरे सब मुसीबतें एक तरफ, प्यासी को ले लीजिए, जहाँ तीन दिन से पानी बंद हो, तमाशे के आफ्ताब के साथ आतश का सैलाब इंतहाई तुगयानी पर है, तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही प्यास। तो अब गौर कीजिए कि जो ज्यादा वक्त तक रहा वो ज्यादा प्यासा होगा। तो इसलिए रसूल की लड़ाइयों में ये होता था कि अजीज आगे रखे जाते थे, असाब पीछे। यहाँ करबला में असाब आगे रखे गए, अजीज पीछे। मुमकिन है किसी जाकर से आपने सुना हो, मगर मेरा जहां तक मुताला ये नहीं है कि असाब ने अजीजों ने जाना चाहा हो और असाब ने कदमों पर सर रख दी हो कि हम अपनी मौजूदगी में आपको जाने नहीं देंगे। जिन करबला के इकदाम तकल्लुफात के मातहत नहीं हो रहे थे। मैं तो ये समझता हूँ कि रुकमन की तरतीब कायम की गई थी कि खबरदार जब तक असाब में से एक भी है तब तक अजीज कोई न जाए। मतलब यह है कि कासिम तुम्हें क्या हक है कि कौशल पर जाकर प्यार बुझा लो और मेरा हबीब प्यासा रहे। अब्बास तुम्हें क्या हक है कि तुम अपनी प्यार जाकर बुझा लो जाने कौशल से और मेरे रफका प्यासे हैं। याद है जब तक असाब में से एक भी है तब तक अजीज कोई न जाए और अजीजों की जब बारी आए तब भी दूर के अजीज पहले चले जाए, फरजंदाने अकील चले जाए, फरजंदाने जाफर चले जाए, फिर भतीजे चले जाए, बराबर का भाई बात के लिए रहे, कवियल जवान अली अकबर के मशहूर के मुताबिक बात को रहे। मैं समझता हूँ इससे पता चला कि जिसकी कुव्वत बर्दाश्त पर भरोसा ज्यादा है, जिससे इम्तिहान सख्त लेना है उसे बात के लिए रखा गया है। मगर बस बारगाह है मौला में अर्ज करूंगा कि मौला यहाँ तक मेरी मंतिक ने साथ दिया, यहाँ तक मेरी फलसफे ने मदद की, मगर अब मेरी मंतिक हत्या जाती है। अब मेरा फलसफा इतिहास में शिकस्त करता है कि मौला या अब्बास के भी बाद या अली अकबर की बराबर या छह महीने की जाए। छह महीने की जान ये शहजादा अली असर, इसे तो मौला ने बस अपना पेश करना देखा। अब इसके बाद कोई नहीं रहा था, बस अब राह खुदा ने खुद जान दे दी। मगर मैंने कहा था कि जो ज्यादा वक्त तक जिंदा रहा वो ज्यादा प्यासा रहा। तो अब इंसाफ कीजिए, मौला के भी हद्दे अपना शसरे आशूरा वही खंजर सिंह से राज न्यास के बाद अब मौला की अतश बाकी नहीं है, वही जिसके बाद हम आप फाका शिकंदी करते हैं। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि जैनब कब तक प्यासी थी? उनमें कुलसूम कब तक प्यासी नहीं? मुझसे फरमाइश मिली थी, याद आ गया कि अली अजहर की हद अतश मैं बता सकता हूं, मगर सकीना की हद अतश नहीं बता।
اور یہ اسے اس دن لاہور میں کہہ چکا ہوں, یہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ گرمی کے روزے کے بعد افطار کے وقت ایک دفعہ پانی نہیں بھی جائے تو کیا پیاس مٹ جاتی ہے؟ وہ تو التحاد میں اور اضافہ ہوتا ہے. جب تک بے اطمینان کافی وقت تک بلا رکاوٹ کے نہ ملتا رہے تب تک پیاس نہیں مٹتی ہے. تو یقیناً عصر کے بعد کبھی پانی آیا, لیکن پانی ہی آیا کیا پیاس بھی مٹ گئی؟ کیا وہاں سے فراہم آیا؟ مجھے تو راہ کوفہ میں بھی سکینہ پیاسی ہی نظر آتا ہے. مجھے تو راہ شام میں بھی سکینہ پیاسی ہی نظر آتی ہے. اب ابراہ سکینہ کے احتجاج کے مطابق ایک روایت لاہور میں پہنچ چکا ہوں, اس کو اس وقت نہیں بیان کروں. مگر ان کی پیاس اس وقت تک قائم جب تک کہ زندہ نشان کی راتیں گزر رہی ہیں. وہاں بھی پیاس بجھ نہیں رہی ہے. وہ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ ایک دن سید سجاد نے ابھی کو دیکھا کہ بیٹھ کے نماز عشاء پڑھ رہی ہے. تو کہا پھوپھی یا آپ آج بیٹھ کے نماز شب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کیا کرو اگر پوچھ کے؟ جانے دو. کہا نہیں بتائیے. کہا بات یہ ہے کہ کھانا پانی جو یزید کے یہاں سے آتا ہے وہ میرے بھائی کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا, لہذا اپنے حصے کا بھی کھانا پانی اکثر بچوں کو دے دیتی ہوں. تو اب اتنی طاقت نہیں رہی ہے. تو معلوم ہے کہ زندان میں بھی پیاس ختم نہیں ہوئی. اور بس اہل عزا اب وہ وقت آیا کہ جب سکینہ نے خواب میں باپ کو دیکھا اور باپ نے کہا کہ بس اب تم میرے پاس آیا چاہتی ہو, اور سکینہ نے رونا شروع کیا اور اب یقین ہو گیا کہ میں باپ کے پاس جاؤں گی. تو جب یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے جاؤں گی, اس وقت سکینہ نے پھوپھی سے کہا کہ میری دو تین وصیتیں وہ سن لیجیے. پہلی وصیت یہ ہے کہ میری خبر سن کے اگر حاکم کپڑا کفن کے لیے بھیجے تو اس کا احسان قبول نہ کیجیے گا, مجھے اسی پھٹے ہوئے کرتے میں دیجیے. اور بس وہ آخری شرط سنا دوں کہ کہتی ہے کہ پھوپھی مجھے کسی گیلی مٹی میں دفن کیجیے, اس لیے کہ میری ہڈیاں پیاس سے سلگ رہی ہیں. بس یہی وقت تھا کہ رونے کی صدا بلند ہوئی اور ادھر یزید نے سر حسین بھجوا دیا زندان, اور بیٹی نے باپ کے رخساروں پر رخسارہ رکھا. اور پھر ہمیشہ کے لیے جدا ہو